हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और स्वागत है आप सबका हमारा न्यू चैनल पी के फूडीज़ में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने अपने चैनल का नाम पी के फूडीज़ रखा है, तो पी के फूडीज़ में आपको मिलेगा न्यू हेल्दी फूड रेसिपीज़ एंड फूड ईटिंग चैलेंज। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सो गाइज, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब माई चैनल पी के फूडीज एंड प्रेस बेल आइकन। तो दोस्तों, आज की बात करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त शानदार फूड रेसिपीज़ जो कि बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और हमारे भारत में हर जगह ये अवेलेबल है। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं उस फूड की ओर। तो दोस्तों, लीजिए, हम आ गए हैं अपने रसोई घर में और यही है वो फूड, हेल्दी फूड जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए, जो कि 250 से 300 बीमारियों में ये उसको सही करने का ये दवा रखता है, ताकत रखता है। तो दोस्तों, ऐसे फूड को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अपने दिनचर्या के भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने इसको बारीक कट कर ली है और इसकी जो ऊपर की छिलका है उसको हमने उतार दिया है। और सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े प्याज, जो कि हमने ये इस तरीके से कट कर ली है, आप देख सकते हैं। और हमें चाहिए 2 शिमला मिर्च, टमाटर की प्यूरी, ये दही, ये मशरूम, ये कुछ काजू के दाने, ये देसी घी, स्वाद अनुसार नमक। और हमें मसाले में चाहिए जिंजर, गार्लिक, अदरक लहसुन की थोड़ी सी बारीक कटी हुई। दोस्तों, अदरक लहसुन हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन की तासीर गर्म होती है और हमारा ये जो सहजन की फली है ये भी थोड़ी गर्म तासीर की होती है, तो हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे अदरक और लहसुन की बारीक कटी हुई। और हमें चाहिए बारीक जीरा, थोड़ी सी गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर और 2 मिर्च कटी हुई। तो दोस्तों, इस हेल्दी फूड को और हेल्दी बनाने के लिए चलिए हम चलते हैं अपने गैस चूल्हे की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें हम डालेंगे सरसों तेल। आप चाहे तो कोई और भी तेल डाल सकते हैं, और भी कुकिंग ऑयल कोई डाल सकते हैं, बट हमने यहाँ पे सरसों तेल का उपयोग किया है इसलिए कि सरसों तेल से वेजिटेबल्स में अच्छी स्वाद आती है। और तेल हमारे लगभग गर्म होने को है। अब इसमें हम ऐड करेंगे साबुत जीरा और हमने जो अदरक और लहसुन का बारीक कट कर लिया था उसको हम ऐड कर देंगे। अब इसको हल्का चलाएंगे, थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली जो हमने 2 बारीक कट ली थी। अब इसमें ऐड करेंगे दोस्तों हम प्याज, जो कि थोड़ा बड़े टुकड़ों में हमने लिया था, आप देख सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम शिमला मिर्च। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ही लजीज बनती है दोस्तों। और इसमें हम ऐड कर देंगे ये कुछ काजू के दाने हमने लिए थे, वो हम स्टार्ट में ही डाल देंगे इसको, इसलिए कि वो काजू हमारी हल्की फ्राई हो जाएगी जिससे थोड़ी काजू में क्रंचीनेस आ जाती है। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको दोस्तों हम फ्राई करेंगे। लगभग हाफ फ्राई हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं।
अब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले जो हमने निकाल के रखे थे। मसाले हमने ऑलरेडी आपको बता दिए थे हमने क्या क्या मसाले इसमें लिए थे। अब इसको मसाले को हल्का हल्का फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। कुछ देर अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ये मसाले लगभग हो गए हैं फ्रेंड्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे सहजन की फली जो कि हमने बारीक इसको धो के काट के छील के तैयार करके रखा है। अब इसको कुछ देर अच्छी तरह से फ्रेंड्स इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे मशरूम। मशरूम को हमने फ्रेंड्स हल्का सा हमने भाप बॉयल करके रख लिया था और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है फ्रेंड्स, हल्के मात्रा में है। अब फ्रेंड्स इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। सहजन की फली फ्रेंड्स थोड़ी सी कड़ी होती है तो ढकने से वो जल्दी पक जाती है। देखिए लगभग 8 मिनट 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम चलाएँगे, इसको अच्छी तरह से फ्रेंड्स फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर प्यूरी जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। अब इसको दोस्तों अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारी टमाटर की प्यूरी जो है अच्छी तरह से पक जाए। ये खाने में फ्रेंड्स बहुत ही लजीज लगता है, इसको ज़रूर घर पे आप लोग ट्राई करिएगा और ये बहुत ही बेनिफिशियल है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए अपने घर में। अब कुछ देर के लिए फ्रेंड्स को हम ढक देंगे। अब ये हम ढक्कन हम हटा रहे हैं। लगभग 5 मिनट हमने इसको ढक के रखा था। देखिए गाइस कितना लजीज होता हुआ जा रहा है हमारे डोमेस्टिक वेजिटेबल्स, ड्राई डोमेस्टिक वेजिटेबल। अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स दही जो हमने निकाल के रखी थी। अब इसको फ्रेंड्स अच्छी तरीके से फिर फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसको फ्रेंड्स इतना फ्राई करना है, लगभग हमारा सहजन का फली लगभग पकने को आ ही गया है। अब इसको इतना फ्राई करना है ताकि इसमें जो भी ग्रेवी दिख रही है, ये ग्रेवी दिखनी नहीं चाहिए, एकदम सूख जानी चाहिए, तभी हमारा ड्राई सहजन की फली तैयार होगा। लगभग कुछ देर हमने इसको फ्राई किया फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं ये इसकी ग्रेवी लगभग सूख गई है और ये कितना लजीज लग रहा है देखने में। दोस्तों ये जितना लजीज लगता है देखने में उतना ही खाने में टेस्टी है और उतना ही हेल्थ बेनिफिट है इसके। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टाटा सॉल्ट। हमने सॉल्ट लास्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें हमने, आपने देखा हमने इसमें दही यूज़ किया है, तो जिस भी वेजिटेबल्स में दही यूज होती है उसमें नमक बाद में ही लास्ट में डालना ज़्यादा सही होता है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया नमक। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वेरी वेरी यमी, एकदम लाजवाब। ये लगभग लगभग तैयार हो गया फ्रेंड्स। आप इसको किसी के भी साथ खा सकते हैं, इसको रोटी राइस आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और ये बहुत ही लजीज जितना दिखने में लगता है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स फाइनली देसी घी जो कि हमारी सहजन की फली को और भी यमी बनाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये सिंपल सा इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किया और ये कितना लजीज बन गया हमारा सहजन की फली। हमें इस तरह का वेजिटेबल्स ज़रूर अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए फ्रेंड्स, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सो फ्रेंड्स देखिए फाइनली अब ये हमारा वेजिटेबल्स, ड्राई वेजिटेबल्स तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना लजीज लग रहा है ये। अब इसको फाइनली हम अपने प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स
है ना, वेरी वेरी यम्मी। तो दोस्तों, पीके फूडीज चैलेंज शो को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इस तरह के रेसिपीज़ और फूड ईटिंग चैलेंज देखने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, और आप के यहाँ मोरिंगा ये जो फली है, ये सहजन की फली है, इसको क्या बोला जाता है डोमेस्टिक को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना लजीज दिखता है ये, और उतना ही टेस्टी है फ्रेंड्स, उतना ही हेल्थ बेनिफिट है इसके। तो ज़रूर इसको अपने घर पे बनाइए और इसको खाइए, अपने फैमिली को खिलाइए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।